नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से। आज हम झांसी की रानी यह कविता देखेंगे, जिसकी रचयिता है, कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए इनकी कविता देखेंगे वीर रस से ओतप्रोत। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का अवतार एक देवी अवतार था। कविता का मूल भाव देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को काव्यबद्ध किया है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। उन्हें धनुष्यबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी करना पसंद था। जब वे शादी के बाद झांसी आती है तो उनके व्यवहार से झांसी के लोग खूब प्रभावित होते हैं। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य की रक्षा करने का बीड़ा उठाती है और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होती है। तो ये था इस कविता का मूल भाव। तो हम कविता पढ़ेंगे। सिंहासन लूटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कोई आम स्त्री नहीं थी, वो तो साक्षात देवी अवतार था। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। इसका मतलब है कि सभी सिंहासन जब हिल उठे थे उस समय एक ऐसा अवतार यहाँ पर उत्पन्न हुआ जिस कारण से राजवंशों के सभी राजाओं ने अपनी भ्रुकुटियां से तान ली थी। अब बूढ़े भारत में भी फिर से जवानी जग उठी थी। बूढ़ा भारत यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा देश जो है क्षीण हुआ था, हमारे देश पर ब्रिटिशों का साम्राज्य आया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सभी लोगों ने अभी मन में ठान लिया था कि अब फिरंगियों को यहाँ से भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पुरानी तलवार अब सन 57 का मतलब होता है 1857 में चमक उठी है वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर से एक बार 1857 में वो तलवार चमक उठी थी। मिस ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है बंड जो है यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। भ्रुकुटी का मतलब होता है भोए, फिरंगी मिस अंग्रेज, गुलामी का मतलब होता है, गुमी हुई का मतलब होता है खोई हुई, थानना मिस दृढ़ निश्चय करना, राजवंशों के राजा, राजवंश मिस राजाओं के वंशज, कीमत मिस मूल्य। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रसंग देखेंगे। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करते हुए वीरता का वर्णन किया गया है। उनकी वीरता जो है भावार्थ क्या है? देश को स्वतंत्र करने के लिए राजवंशी लोगों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, क्योंकि जब उन्होंने आजादी की सही कीमत को पहचान लिया था और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात अपने मन में ठान ली थी। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनकी वीरता का सभी ने लोहा मान लिया। बुंदेलखंड के लोग, गायक सभी उनकी वीरता की किस्से जो है गाते फिर रहे थे। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का अवतार। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। देखिए, आमतौर पर हमारी सहेलियां कौन होती है, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां बर्छी ढाल कृपाण कटारी, ये युद्ध की सामग्री जो है उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, कानपुर के नानक की वह मुंह बोली बहन थी, सगी बहन नहीं थी,
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, उसका नाम लक्ष्मीबाई था और वो पिता की अकेली संतान थी, उनके पिता को दूसरी कोई संतान न थी। संतान का मतलब होता है उनको न कोई पुत्री थी ना पुत्र था, वो केवल एक दासी की रानी ही थी। नाना साहेब पेशवे जो है उनके संग पढ़ती थी, खेलती थी, और उसकी सहेलियां कौन थी, बरची, डाल, कृपाण, कटारी, यही उसकी सहेलियां थी। उसको लड़कियों जैसे खेल जो है पसंद नहीं थे, वो लड़कों जैसे खेल खेलती थी। वीर शिवाजी, शिवाजी महाराज के बारे में आपको तो पता ही है, उनकी गाथाएं जो है उनके जुबान पर थी, उनको याद थी किस प्रकार युद्ध किया जाता है, ये सब शस्त्र का ज्ञान जो है उनको था, इसलिए वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। बुंदेले हरबोलों के, बुंदेलखंड के जो हरबोल जाति के लोग हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। धन्यवाद, यहाँ पर हम रुकेंगे।